नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेम्परेचर बहुत हाई है, कब से है फीवर इनको? आज सुबह से है। एक्चुअली कल रात को बारिश में काफी भीग गई थी। ओके, सांस लीजिए, जोर से सांस लीजिए। लंग्स में बहुत कंजेशन है, इस उम्र में निमोनिया भी हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। ये कोई मेडिसिन ले रही हैं क्या अभी? जी जी, वो अल्जाइमर्स है इनको, तो उसकी मेडिसिन्स चल रही, वहाँ रखी है। ओके, आप बाहर आइए मेरे साथ, मैं मेडिसिन बताता हूँ। जी, और अगर इनका फीवर बढ़े तो आप मुझे जरूर फोन करिएगा। सुभाष, आई एम रिजाइनिंग। माई को मेरी जरूरत है। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। मैं एक घंटे के लिए ऑफिस जा रही हूँ अपने पेपर्स डालने। तुम माई को देखोगे प्लीज? मॉम, मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? चल। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज नानी बीमार है। I'm sorry, अंकित। सॉरी बोलना है तो नानी को बोलो। I understand, मधु, पर क्या तुम आज थोड़ा हैंडओवर मिस निकी को करोगी? जस्ट हाफ एन आवर। सीमा, जरा आहिस्ता, खींच मत बेटा, मेरी माँ के कंगन हैं, छोटे हैं, मैं निकाल देती हूँ तेरे को, ये ले, बहुत छोटे हैं। कैसा है तू मुन्ना? मधु बहुत अच्छे है रे, पर उसका पति उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। तुम्हें याद है, तुम्हारी पढ़ाई उसी ने करवाई थी,
इसलिए तो इतना आज बड़ा हो गया है। पर जवाई का घर जवाई का होता है रे, मुझे शर्म आती है। मुझे ले चल। सॉरी नानी। अरे मुन्ना अभी क्या कर रहा है तू? सो जा, मैं मुझे काम है। मुन्ना बहुत रात हो गई है, बेटा इतना नहीं जागते। अरे अरे माई क्या कर रही है, जरूरी काम है। माई ऑपरेशन की तैयारी करो। जी सर। आराम से। आप प्लीज यहीं रुक जाइए प्लीज। चलो क्या कर। अरे देखने तो दो, आईसीयू कहाँ है? यहाँ आगे जाके राइट में है, ये देखो। क्या हुआ? गिर गई भाई, सर पे चोट लगा, अभी अंदर लेके गए, पता नहीं डॉक्टर आके बताएगा हुआ क्या सिचुएशन। डॉक्टर वेरी टफ, इंटरनल इंजरी है, अल्जाइमर, निमोनिया एंड दिस हेड इंजरी। कुछ कहा नहीं जा सकता, विल ट्राई आवर बेस्ट। हम्म?
पेशेंट के साथ कोई एक ही अटेंडेंट रह सकता है रात में। जी मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आप लोग सब घर जाइए, मैं रुकूंगा। नहीं नहीं मधु, प्लीज आई इंसिस्ट, तुम घर जाओ, मैं रुकूंगा। प्लीज प्लीज गो। मुन्ना। हाँ दी। तेरा वीजा। होश में आए तो बता देना, ज्यादा बात करने मत देना। जी ठीक है। सुभाष भाई, सुभाष मधु जरा गुस्से वाली है पर दिल की बहुत अच्छी है। माई आप आराम, उसे संभाल लेना। माई आप आराम कीजिए प्लीज, आप बात मत कीजिए। हाँ और मुन, माई प्लीज आप बात मत कीजिए। माई प्लीज प्लीज माई भाई, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, सुभाष, Oh,
मैंने माई को बेटी और बेटी को माई बनते देखा है। कितनी आसानी से एक बेटी अपनी ही माँ की माँ बन जाती है। हम मर्द कभी इसे समझ ही नहीं पाएंगे। अपनी कोख से हमने कभी किसी को जन्म नहीं दिया है ना, शायद इसीलिए। हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बीवी हमारे माँ बाप को सास ससुर नहीं बल्कि माँ बाप समझे, पर हम खुद कभी अपने सास ससुर के बेटे नहीं बन पाते। 10 साल की उम्र में पहली बार अपनी माँ को खोया था मैंने। आज 40वें साल में दोबारा अपनी माँ को खोया। नादान मधु नहीं, मैं हूं माई।